स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हजुमरा ग्रुप, शिफा क्लिनिक कोकटपल्ली, शुगर का मुकम्मल इलाज। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 16 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। गजा जंग में वक्फा, इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फे के लिए अक्वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर, जख्मी और महरूस शहरियों तक पहुँचा जाएगी इमदाद। इसराइल का जुल्म जारी, हमास के सेंटर्स होने का दावा कर ली अलशफा अस्पताल की तलाशी, बाद में अस्पताल में मौजूद अहम तनसीबात और तिब्बी आलात को धमाके से उड़ा दिया। गजा के अस्पतालों में हमास की मौजूदगी, इसराइली दावों की अमेरिका ने की तायीद, हमास ने कहा तायीद कर वॉशिंगटन ने खाबिस फौज को मजीद कत्लेआम के लिए दिया ग्रीन सिग्नल। गजा के हॉस्पिटलों पर इसराइली कब्जों के दरमियान इसराइली पीएम की हमास को वार्निंग, कहा हमास के लिए कोई जगह महफूज नहीं, गजा में कोई ऐसी जगह नहीं जहां तक हम ना पहुंच सके। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत, गजा में लगातार बमबारी से नाराज एर्दवान का बयान, जारियाना अंदाज में कहा इसराइल और उसके हामी जानवर से भी बदतर, हमास दहशतगर्द नहीं बल्कि सियासी जमात। इसराइली अपोजिशन लीडर यार लैपिड ने नेतन्याहू से किया फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होने का मुतालबा, कहा अवाम का एतमाद खो चुका, हमें तब्दीली की ज़रूरत। गजा पर इसराइली हमलों को रोका जाए, वेनेजुएला के सदर की दुनिया से अपील, साथ ही कहा फ़लस्तीनियों के हक़ हयात, हक़ वतन, हक़ आज़ादी की खातिर एहतजाजी मुजाहरे रखे जा रहे। बरतानवी पार्लियामेंट में गजा जंग बंदी की करारदाद मंजूर ना होने पर बगावत हुई तेज, 10 मेंबरान मुस्तफ़ी, पार्लियामेंट के बाहर हजारों अफराद जमा, गजा में जंग बंद करो के लगाए नारे। अमेरिका खामोशी से इसराइल को हथियारों की बढ़ा रहा है मुंतकली, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा अयाची गन शिप बेड़े के लिए लेस गाइडेड मिजाइल भी शामिल। दुनिया की दो बड़ी ताकतें चीन और अमेरिका के सदरों की खुशगवार मुलाकात, दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव कम करने फौजी सतह पर राबतों की बहाली का किया फैसला। निजर कत्ल मामला, कनाडा और भारत में जारी तनाज़े के दरमियान भारतीय फॉरेन मिनिस्टर ने कहा हम मुकम्मल तआवुन के लिए तैयार, कनाडा अपने इल्जाम की हिमायत के दे सबूत। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी को लेकर घमासान, आवाम व सियासी दबाव के बाद हुकूमत कर्नाटका ने की आवाज़, कहा भर्ती इम्तिहानात के दौरान हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं। राजस्थान में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बनाया निशाना, मोदी पर सरमायादारों के लिए काम करने का लगाया इल्ज़ाम, कहा मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी। गरीब ही सबसे बड़ी ज़ात, पीएम मोदी के इस बयान के बाद प्रियंका गांधी की तनकीद, कहा जात और मजहब की बात से नहीं बल्कि काम करने से हासिल होते हैं वोट। जयपुर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी और राहुल गांधी पर निशाना, कहा कौम परस्त होने के लिए ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस से किसी सर्टिफिकेट की है जरूरत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, रियासत में त्योहारों के वक्त जुलूसों के दौरान तलवार, लाठी, बंदूक जैसे हथियारों के मुजाहरे पर लगाई पाबंदी। वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची क्रिकेट टीम इंडिया, मोहम्मद शामी ने लिए 7 विकेट, पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद, कहा शानदार खेल, आने वाली नस्लें रखेंगी याद इस कारकर्दगी को। तेलंगाना में बीजेपी के अहम लीडरान चलाएंगे इंतखाबी मुहिम, 18 को अमित शाह, 19 नवंबर को जेपी नड्डा और 26 या 28 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे रियासत का दौरा। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख, बीआरएस सरबरा केसीआर का बयान, दावा किया इलाकाई पार्टियों का है मुस्तकबिल, भाजपा या कांग्रेस का नहीं। बाप बेटा बेटी की पार्टी बीआरएस को तेलंगाना से हटाने का वक्त करीब, बीजेपी लीडर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी की केसीआर पर तनकीद, कांग्रेस को भी करार दिया खानदानी पार्टी। तेलंगाना में इलेक्शन से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, एक्ट्रेस व बीजेपी लीडर विजया शांति का पार्टी से इस्तीफा, कांग्रेस में शामिल होने का इम्कान। तेलंगाना में 9 दिसंबर को कांग्रेस हुकूमत की तश्कील का रेवंत रेड्डी का दावा, आवाम को दिया नारा एक और धक्का, कांग्रेस पक्का, कहा कांग्रेस को रोकना मुमकिन नहीं।
तेलंगाना में 30 नवंबर को असेंबली इलेक्शन। जमीयत उल कुरैश तेलंगाना ने इलेक्शन में तमाम मजलिसी उम्मीदवारों की तायीद का किया ऐलान। मजलिस की कामयाबी की अवाम से की अपील। जुबली हिल्स में कांग्रेस को मिली तौकीयत। आज़ाद उम्मीदवार नवीन यादव ने कांग्रेस में शमूलियत कर ली इख्तियार। बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन ले लिया वापस। हैदराबाद में सोने की कीमतों में कमी। 24 कैरेट सोना 62,300 रुपये जबकि प्योर चांदी 747 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज जो उमरा ग्रुप पेश करते हैं लो बजट और बेहतरीन सहूलतों के साथ उमरा की सआदत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ में हरम से खरीद स्टार लग्जरी होटल्स में ख्याम। 3 वक्त जायकेदार हैदराबादी खाना, चाय और लॉन्ड्री की सहूलत। मुअल्लिम की रहनुमाई में उमरा की सआदत, वो तमाम मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें। उमरा पैकेज की तफसीलात और बुकिंग के लिए फौरी रब्त करें। हमारा पता है एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, दारुसलाम बैंक बिल्डिंग, एरागड्डा मेन रोड, हैदराबाद। शिफा क्लिनिक, दौरे हाजिर के मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, शुगर का इलाज मुमकिन है। आपका इंसुलिन भी छूट सकता है। किडनी प्रॉब्लम भी होगा कंट्रोल। डायलिसिस करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक बार राब्ता करके देखिए। डायबिटिक फूड, शुगर के जख्म और दीगर स्किन इन्फेक्शन का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखिर किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक, गारंटीड ट्रीटमेंट। हैदर नगर, कुकटपल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद।